अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं इस वक्त नमक मंडी जा रहा हूँ और बारबेक्यू गोश्त दुम्बे का गाड़ी के लिए, तो उसकी जॉइनिंग होनी चाहिए। बहुत दिनों बाद हम जा रहे हैं, हम तीनों बंदे जा रहे हैं, दो मुझसे आगे जा रहे हैं, मैं पीछे जा रहा हूँ। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ चले और इसको इंजॉय करते हैं। सो गाइस, मैं खैबर बाजार की तरफ जा रहा हूँ और मौसम बादल आ गए हैं थोड़े से, हो सकता है बारिश शुरू हो जाए लेकिन बादल इतने गहरे हैं नहीं। तो मैं जा रहा हूँ इसी तरफ और शिनवारी साहब से हम बारबेक्यू गोश्त खाएंगे दुम्बे का। अगर अच्छी चार्जेस उसके ज़्यादा आते हैं क्योंकि दुम्बे का गोश्त महंगा होता है और बारबेक्यू में तो मज़ीद भी महंगा हो जाता है। तकरीबन 1600 रुपये पर केजी का हमें पड़ता है, लेकिन इसका मज़ा ही कुछ और है। और बंदा अगर अपने ऊपर खर्चा ना करे तो फिर ऐसे पैसों का इससे मतलब ही क्या है, और ऐसे पैसों का लुक कर ही क्या। आज सुबह से ही गर्मी बड़ी ज़ोरों की पड़ रही है, लेकिन अभी भी गर्मी है, थोड़ी सी धूप है, लेकिन ये बादलों की वजह से मामला थोड़ा सा कंट्रोल हो गया है। नहीं तो अभी तक ये सारा कुछ आउट ऑफ कंट्रोल था। मैं इस वक्त खैर बाज़ार की तरफ जा रहा हूँ और ये ऑलरेडी ब्रिज मैंने क्रॉस कर दिया है और आगे चलिए देखें क्या होता है। ये जिस बंद से हम गोश्त खाते हैं ये नमक मंडी में नहीं है। वैसे तो गोश्त खाने के लिए नमक मंडी आइडियल जगह है, लेकिन ये शुभा बाज़ार की तरफ ये है और चिनार बिल्डिंग की तरफ एक है हाजी गरीब नवाज शिनवारी साहब, और उनका टेस्ट ही कुछ अलग ही है। ये जनाब मैं शुभा बाज़ार की तरफ आ चुका हूँ। ये ज़्यादातर ये गाड़ी के स्पेयर पार्ट की वजह से मशहूर है और इसमें ही आगे ये हाजी गरीब नवाज शिनवारी साहब का वो एक दुकान कह ले, होटल कह ले, जो भी कह ले वो है। इस कदर रश होता है कि पैदल चलना भी महाल होता है, लेकिन गाड़ी यहाँ पे लेके आना आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। या तो बाइक के ज़रिए इसको क्रॉस करें या फिर पैदल ही, मुझे तो पैदल ही फिजिबल लगता है। ये इन्हीं वर्कशॉप की वजह से बेतहाशा रश होता है। ये आप गाड़ी क्रॉस करें, ये देख लीजिए आप। माय गॉडनेस, बड़ी मुश्किल से पहुँचा हूँ मैं। दोनों मेरे दोस्त मुझसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी उनका पीछा कर लूँ। ये बिलाहल जनाब हम पहुँच चुके हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इनका जो गोश्त काटने का फ़न है वो आप ज़रा देख ले। आइए, जो ऑर्डर है उस पर काम शुरू हो चुके हैं। ऑलरेडी सीट में लग चुके हैं, नमक आ चुका है और कोयले तप चुके हैं, तो इसको लगेगा आधा घंटा और आधा घंटे के बाद देखते हैं इसको टेस्ट करते हैं। ये जनाब शुभा बाज़ार है और ये मशहूर है स्पेयर पार्ट्स के लिए और गाड़ियों के मुख्तलिफ पार्ट्स के लिए ये मशहूर है। यहाँ पे हाजी गरीब नवाज शिनवारी साहब का ये एक इसको शॉप कह ले, होटल कह ले, जो भी कह ले, ऑलरेडी वो प्रोसेस आप देख चुके हैं जिसमें वो सीख में जो बूटियाँ थी वो लग चुकी हैं, उस पर नमक डाल दिया गया है। कोई मसाला, कोई ऑयल, कुछ भी नहीं है, खालिस नमक लगा के और उसको कोयले के ऊपर रखे, तकरीबन आधा घंटे इंतज़ार करते हैं और उसके बाद इसको टेस्ट करते हैं। तो तब तक के लिए इंजॉय करते हैं और इस मोमेंट का इंतज़ार करते हैं। वाह 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 जी,